सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाला है, जो 13 नवंबर 2022 तक खेला जाएगा। अब इस बार का टूर्नामेंट पूरा ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा टी20 फॉर्मेट में, जो काफी जबरदस्त होने वाला है, जिसमें टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और इन सभी 16 टीमों के बीच टोटल 45 मुकाबले खेले जाएंगे। अब जहां इस टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इसका पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम अनाउंस कर दिया सभी मैचों का, तो आइए चलिए जानते हैं इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, कि आखिर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम स्क्वाड में किन-किन खिलाड़ियों को चुना जाएगा और किस-किस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि यह कोई पेटीएम ट्रॉफी नहीं है, ना ही कोई बायलेटरल सीरीज है, जिसके लिए आप 15 से ज्यादा 18-20 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं। यह टूर्नामेंट है टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें आप 15 खिलाड़ी को ही अपने टीम स्क्वाड में रख सकते हैं। तो यहां पर एक बड़ी समस्या है कि किस खिलाड़ी को टीम में रखें और किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करें। तो 15 खिलाड़ी का टीम स्क्वाड क्या होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, चलिए देखते हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम स्क्वाड में ये चार टॉप ऑर्डर बैट्समैन होने वाले, जिसमें पहला नाम है हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा का, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जो करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को लीड भी करने वाले। जबकि दूसरे खिलाड़ी के तौर पर होंगे केएल राहुल, जो काफी शानदार विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं, पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर होंगे ईशान किशन, इनका भी रोल कुछ इसी तरह से होने वाला है केएल राहुल के जैसे ही, जहां ये एक शानदार जबरदस्त युवा ओपनर बल्लेबाज हैं, काफी बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ना सिर्फ ओपनिंग की बल्लेबाजी बल्कि मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में ये भी खेल सकते हैं और ये भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। जबकि चौथे खिलाड़ी होने वाले हैं किंग कोहली यानी कि विराट कोहली द रन मशीन, जो कि ये वन डाउन की बल्लेबाजी के लिए सबसे बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं। तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के बाद चलिए बात करते हैं मिडिल ऑर्डर्स की। तो मध्यक्रम बल्लेबाजी के लिए तीन खिलाड़ी भारतीय टीम स्क्वाड में शामिल होने वाले, जिनका नाम 100% कंफर्म है। पहले खिलाड़ी होने वाले हैं सरास अय्यर, जिन पे कोई भी शक नहीं है, इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है टीम इंडिया के लिए मध्यक्रम बल्लेबाजी में, इन्होंने काफी प्रूव किया अपनी शानदार बल्लेबाजी से। जबकि दूसरे खिलाड़ी होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, इनका भी नाम कंफर्म हो चुका है, इन्होंने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है टीम इंडिया के लिए। जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर होने वाले विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, जो काफी शानदार विस्फोट के बल्लेबाजी तो करते ही हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी काफी शानदार करने लगे। अब अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के बारे में यानी कि ऑलराउंडर्स के बारे में, तो ऑलराउंडर्स के तौर पर भी भारतीय टीम में तीन खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, जहां पहले खिलाड़ी जिनका नाम 100% कंफर्म है वो है रविंद्र जडेजा, जो हरफन मौला खिलाड़ी माने जाते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, स्पिन बॉलिंग या फिर फील्डिंग, तीनों ही क्षेत्र में काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं। जबकि दूसरे ऑलराउंडर्स के तौर पर दो खिलाड़ियों में रेस लगी हुई है, एक है हार्दिक पांड्या जबरदस्त ऑलराउंडर, दूसरे है वेंकटेश अय्यर, जो कि ये भी एक शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं। अब चूंकि हार्दिक पांड्या फिलहाल गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं आईपीएल 2022 से पहले, तो इसी वजह से फिलहाल वेंकटेश अय्यर भारतीय टीम स्क्वाड में लगातार खेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन जिस तारीख से हार्दिक पांड्या 100% फिट हो जाएंगे, गेंदबाजी में भी अपनी महारत दिखा देंगे एक बार फिर से, दोबारा हार्दिक पांड्या भारतीय टीम स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं, जिसके चलते वेंकटेश अय्यर का पत्ता कट सकता है। तो देखते हैं कि आखिर इन दो में से किसे सिलेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें तीसरे ऑलराउंडर्स के बारे में, तो वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं बल्कि बॉलिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, नाम है शार्दुल ठाकुर, जो काफी शानदार गेंदबाजी कराते हैं और अच्छे खासे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में। अब चलिए बात करते हैं गेंदबाजों के बारे में, तो पांच गेंदबाज होने वाले हैं भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, जिसमें पहला नाम 100% कन्फर्म है वो है यॉर्कर किंग यानी कि जसप्रीत बुमराह का, जबकि दूसरे गेंदबाज के तौर पर नाम कन्फर्म है युजवेंद्र चहल यानी कि जबरदस्त स्पिनर, ये इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुने जाएंगे, जहां इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए इन्हें टीम में नहीं चुना गया था। तो वहीं तीसरे गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार या फिर दीपक चहर, इन दो में से किसी एक को ही चुना जाएगा, जहां ये दोनों एक टाइप के ही गेंदबाज माने जाते हैं, एक तरफ एक्सपीरियंस है एक तरफ युवा खिलाड़ी है। अब चलिए बात करते हैं चौथे गेंदबाज के बारे में, तो यहां पर भी मोहम्मद सिराज युवा फास्ट बॉलर या फिर अवेश खान युवा तेज गेंदबाज, इन दो में से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि यहां पर नाम प्रास्टिक कृष्णा का भी है, लेकिन उनके चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं टी20 फॉर्मेट के लिए।
तो वहीं पांचवें गेंदबाज के तौर पर भी नाम कई गेंदबाजों का है, जिसमें नाम मोहम्मद शमी है जो इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो T20 या फिर ODI फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, लगातार वो टेस्ट फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी का भी कद काफी ऊंचा है, चाहे T20 की बात करें या फिर ODI फॉर्मेट की। जबकि मोहम्मद शमी के अलावा टी नटराजन और खलील अहमद जैसे युवा गेंदबाजों को भी सिलेक्टर देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए ये रहा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और ऑलराउंडर्स, जबकि गेंदबाज जो कि ये 15 खिलाड़ियों का संभावित टीम स्क्वाड है, लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही टीम स्क्वाड हो सकता है भारतीय टीम का। हालांकि इसके अलावा बैकअप के तौर पर भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर के मन में जरूर होगा कुछ खिलाड़ियों का नाम, जिसमें नाम ऋतुराज गायकवाड का है जो काफी शानदार बल्लेबाज है, काफी ज्यादा प्रभावित किया है। तो वहीं संजू सैमसन, राहुल चेहर, वरुण चक्रवर्ती जैसे और भी कई शानदार खिलाड़ी हैं जो सिलेक्टर्स के बैकअप प्लान में जरूर हैं। अगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इन्हें भारतीय टीम स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।